परिवार नियोजन को लेकर स्वास्थ्य विभाग की तरफ से एक अनोखी पहल शुरू की गई है, जिसमें लोगों को अब कंडोम लेने के लिए मेडिकल स्टोर या दुकानों में न जाकर उन्हें अब फ्री में स्वास्थ्य केंद्रों से कंडोम मिल सकेंगे। खास बात यह है कि लोगों को जहां कंडोम खरीदने में शर्म और असहजपन का सामना करना पड़ता था, तो वहीं ऐसे में स्वास्थ्य केंद्रों में कंडोम बॉक्स लगाए गए हैं, जिनसे लोग आसानी से फ्री में कंडोम प्राप्त कर सकते हैं। एक अच्छी बात यह भी है कि यह कंडोम बॉक्स ऐसी जगह पर लगाए गए हैं जहां लोगों को आसानी से 24 घंटे कंडोम प्राप्त होने के साथ ही उन्हें गोपनीयता भी मिलेगी। कुल मिलाकर मेडिकल स्टोर या अन्य दुकानों से कंडोम खरीदने में जिन लोगों को संकोच लगता था, उनके लिए यह पहल राहत देने वाली है, जिसके चलते उन्हें अब ऐसी स्थिति का सामना नहीं करना पड़ेगा। बांदा जिले में इसकी शुरुआत हुई है, जिसमें सभी स्वास्थ्य केंद्रों में कंडोम बॉक्स लगाए गए हैं, जिनसे अब लोग आसानी से कंडोम प्राप्त कर सकते हैं। देखिए, ये जनसंख्या का विस्फोट हुआ जा रहा है पूरे विश्व में, समस्या भारत में विशेष करके, तो जितने भी हमारे संसाधन हैं वो कम पड़ते जाते हैं, चाहे चिकित्सा का हो, शिक्षा का हो, जमीन भी कम होती जा रही है किसानों के पास, तो जनसंख्या को नियंत्रण करना, सीमित रखना बहुत आवश्यक है और इसके लिए कंडोम की बहुत ज़्यादा उपयोगिता है। खासकर नए शादीशुदा जोड़े हैं तो उनको मान लीजिए कि स्पेसिंग करना, अभी बच्चा नहीं चाहे तो उसमें बहुत उपयोगिता है। सरल और जो है टेम्परेरी उपाय है ये व्यवस्था। बिल्कुल, प्रत्येक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर कंडोम बॉक्स लगाए गए हैं। हमारे जिला अस्पताल में दो जगह कंडोम बॉक्स लगा हुआ है, एक 15 नंबर जहाँ पे हमारे अर्श क्लिनिक है, जहाँ पे एसटीडी काउंसलर वर्षा बैठती है, उनके दरवाजे के बाहर कंडोम लगा बॉक्स लगा हुआ है और उसमें प्रतिदिन कंडोम भरा जाता है।